इन दिनों मालदीव और भारत के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं। जब से पीएम मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए और उन्होंने भारतीयों से लक्षद्वीप आने का न्योता दिया, उसके बाद से मानो मालदीव को ये बात खटक गई, जिसके बाद वहां के तीन मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद से ये बात भारतीयों को नागवार गुजरी और उन्होंने सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करा दिया। देखते ही देखते ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि वहां के तीन मंत्रियों को हटाने के बाद भी ये मामला शांत नहीं हुआ है। यहां तक कि भारत के लोग अब मालदीव जाने से बचने लगे हैं। विवाद के इतने दिन बाद भी सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। मालदीव सरकार इससे बैकफुट पर आ गई है। हजारों लोगों ने मालदीव जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन अब सवाल है कि आप मालदीव नहीं जाना चाहते हैं, भारत में गोवा कई बार जा चुके हैं, लक्षद्वीप का प्लान अभी बनाया नहीं, तो अब आप कहां जाएं? तो उसका जवाब होगा, आप यूपी के बीच में घूमने चले जाएं, जो बेहद सरसता और अच्छा भी है। बीच न केवल गोवा, गोकर्ण, मुंबई जैसी जगहों पर मौजूद है, बल्कि भारत के उत्तर प्रदेश में भी एक खूबसूरत बीच है। लेकिन लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट न होने की वजह से लोग इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं चूका बीच की, जो शारदा नहर और शारदा सागर बांध के बीचों बीच मौजूद है। वैसे आपको बता दें कि ये जगह एक समुद्र तट की तरह है, जहां आप रेत पर लेटकर सनबाथ का मजा ले सकते हैं। आपको भले ही चूका बीच पर रेत न दिखे, लेकिन यहां आप घने पेड़ पौधे और टी हाउस में रहने का मजा ले सकते हैं। यहां की प्रकृति लोगों को बेहद आकर्षित करती है। आपको बता दें, ये जगह बाघ अभयारण्य से भी घिरी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ आपको गीदड़, लोमड़ी और बड़ी बिल्ली देखने को मिल जाएंगी। बता दें कि चूका बीच पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पीलीभीत शहर के बाहरी क्षेत्र में मौजूद है। चूका बीच एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां आपको काफी शांति मिलेगी। इस जगह पर आप गाड़ी से ड्राइव करते हुए बरेली से करीबन एक घंटे में पहुंच सकते हैं। ये बीच भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, जहाँ का मौसम और प्राकृतिक सुंदरता बेहद हसीन लगती है। आपको बता दें कि पहले इस बीच को काफी कम लोग जानते थे, लेकिन हाल ही में चूका बीच लोगों के बीच एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में लोकप्रिय हुआ है। यहां आपको खाने के स्टॉल, ट्री हाउस और आसपास बने मंदिरों में घूम सकते हैं। चूका स्पॉट प्रकृति से घिरी हुई एक खूबसूरत जगह है, जहां की सुंदरता को देखते हुए लोग गोवा को भूल जाते हैं। आपको बता दें, यहां टी हाउस है, जहां ठहरने का किराया आपको 1500 रुपए से लेकर 4000 रुपए के बीच पड़ेगा। यहाँ के ट्री हाउस में रुकने के लिए आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी। यहाँ आप पैडल वाली नाव में बैठकर भी वोटिंग का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक कैंटीन भी है, जहाँ आप थोड़ा बहुत खाना पीना कर सकते हैं। चूका बीच घूमने का सबसे अच्छा समय हर साल नवंबर से जनवरी के महीनों के बीचों बीच होता है, क्योंकि इस समय पीलीभीत में मौसम यही रहता है। वैसे आप छुट्टियों में बच्चों या फैमिली के साथ भी गर्मियों के महीनों में घूमने के लिए वहाँ जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।